ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म धड़क का ट्रेलर लॉन्च होते ही बॉलीवुड जगत में हलचल पैदा हो गई है। कई एक्टर्स तो चिंता में पड़ चुके हैं ये सोच कर कि कोई भला इतना स्ट्रॉन्ग डेब्यू कैसे दे सकता है। ट्रेलर में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर गॉसिप का मुद्दा बना हुआ है जानवी और ईशान का किसिंग सीन। किसिंग सीन पर अभी तक जानवी के परिवार से या किसी सेलिब्रिटी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, पर जानवी ने अपना रिएक्शन दे दिया है। जी हाँ, जानवी ने ईशान के साथ फिल्म की शूटिंग की कुछ कैंडिड और इंटीमेट सीन वाली तस्वीर शेयर की है और लिखा है, काफी गहरे और इंटीमेट मोमेंट के बीच पकड़े गए। जानवी ने ये मजाक में ही लिखा हो, पर अपने दिल की बात कर दी है। जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। ये फिल्म अगले महीने 20 जुलाई के दिन रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में हमने देखा कि झिंगट गाने पर ईशान और जानवी कपूर जोरदार डांस कर रहे हैं। इस गाने को हिंदी में बनाया गया है और अजय अतुल ने ही इसे कंपोज भी किया है। हमारी ये न्यूज आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड की ताजी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म धड़क का ट्रेलर लॉन्च होते ही बॉलीवुड जगत में हलचल पैदा हो गई है। कई एक्टर्स तो चिंता में पड़ चुके हैं ये सोच कर कि कोई भला इतना स्ट्रॉन्ग डेब्यू कैसे दे सकता है। ट्रेलर में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर गॉसिप का मुद्दा बना हुआ है जानवी और ईशान का किसिंग सीन। किसिंग सीन पर अभी तक जानवी के परिवार से या किसी सेलिब्रिटी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, पर जानवी ने अपना रिएक्शन दे दिया है। जी हाँ, जानवी ने ईशान के साथ फिल्म की शूटिंग की कुछ कैंडिड और इंटीमेट सीन वाली तस्वीर शेयर की है और लिखा है, काफी गहरे और इंटीमेट मोमेंट के बीच पकड़े गए। जानवी ने ये मजाक में ही लिखा हो, पर अपने दिल की बात कर दी है। जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट की ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। ये फिल्म अगले महीने 20 जुलाई के दिन रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में हमने देखा कि झिंगट गाने पर ईशान और जानवी कपूर जोरदार डांस कर रहे हैं। इस गाने को हिंदी में बनाया गया है और अजय अतुल ने ही इसे कंपोज भी किया है। हमारी ये न्यूज आपको कैसी हमें जरूर बताएं। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड की ताजी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।